बदायूं में शादी के तीसरे दिन ही परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों रुपयों के जेवर केस लेकर दुल्हन हुई फरार। को बताते चले कि दादागंज नगर मोहल्ला छोटा पारा में 3 दिन पहले राम लतेड़ के घर शादी की खुशियां मनाई गई थी। वहीं हिंदू रीति रिवाज से ये शादी संपन्न हुई थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। किसे पता था ये दुल्हन नहीं लुटेरी दुल्हन। शादी होकर आई बोरे मालला जी, फिर बस हो जाए के तो कहीं बस खिचड़ी बनाई, पूरी बनाई, सब खिलाए इन्हें जी। सब सारा सब खिलाए दो, सब जार मारे जी। सब तो हम पंडो लगी निकाल के और हमारा संदूक संदूक सम्मान जेवर सब लगी निकाल, मैं फिर सब डाले अपने आप। आप किसी को कोई सूचना नहीं हो पाई ना? सोते रहिए हम सब लोग, खिलाए दो समझा सबको। बाकी परिवार में सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सो नहीं। अच्छा, जब वो गई तो होश किसी को नहीं था? किसी को होश नहीं करनी है। आपका? हमारा नाम भूरी है जी। शादी किसकी हुई थी? शादी हमारी हुई थी। हाँ, फिर क्या हुआ? टिंकू ने हमारी शादी कराई थी आजमगढ़ से, वहाँ से जी। और 3-4 लाख रुपये खर्च हुआ था मेरा सारा जी। और 3 लाख रुपये तो दिए थे, बोला था सर 2.5 रुपये दिलवाएंगे, 1 लाख रुपये का माल ये पर था, बोल ली गई थी। और घर पे भी माल लेबर था और पूरी कचौड़ी खाना बना था साथ में शाम को लिए, उसमें मिला दिया। हम सब लोग सोते रहे, होश ही नहीं आई हुई, होश में आए। वो सोई हुई कहाँ थी? वो मेरे पास ही सो रही थी उधर अंदर। जब गई आपको कोई सूचना नहीं हो? सूचना क्या, मुझे होश ही नहीं था, पता नहीं कब कितने बजे निकल गई वो। अब बक्से भी काफ़ी माल था, वो भी ले गई मम्मी, कुंडल थे वो भी कान में से निकाल के ले। बाकी घर में आप सब स्वस्थ हैं? क्या नाम है आपका? राम मलते। क्या हुआ आपके साथ ऐसा? अरे वो शादी करके लाए उसने, टिंकू ने कराई, ठगी करी मेरे साथ। वो औरत इसी जीने से नीचे दीवार थी, निकल गई, निकल गया वो। टिंकू कौन है ये? टिंकू ये पराम रहता है और वो वीरेंद्र का भनेजा है। कितने पैसे लिए थे आपसे? पैसे हमसे लिए थे उसने 4 लाख जी। क्या कहा था उसने? या कि वो दहेज दिलवाएंगे 3 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का और जेवर वगैरह।